नमस्कार, मैं सुमलता, आप देख रहे हैं जेड न्यूज डिजिटल मीडिया। ज्ञानवापी मामला इस वक्त पूरे देश में एक बड़ा मुद्दा बन चुका है। आपको बता दें कि जैसा आपको पता है कि 14 मई को ये सर्वे शुरू हुआ था, जो कि अब पूरा भी हो चुका है और आज इसकी रिपोर्ट भी कोर्ट में दाखिल होनी थी, लेकिन रिपोर्ट पूरी नहीं होने की वजह से आज ये दाखिल नहीं हो पाई। वहीं आपको बता दें कि पक्ष की तरफ से यहाँ पर समय लेने के लिए आज अर्जी दायर की गई थी, जिसका अब इस समय कोर्ट की तरफ से कुछ आदेश भी आने वाला है। थोड़ी देर में फैसला भी आ जाएगा कि आखिर समय देना है तो कब तक का देना है। वहीं हम आपको बता दें कि खबर ये भी सामने आई है कि महिलाओं की तरफ से जो श्रृंगार गौरी मामले में महिलाओं ने अपने पक्ष रखे थे, उन्होंने याचिका दायर की थी, उनकी तरफ से एक और याचिका डाली गई है। उन्होंने याचिका दायर की है कि ज्ञानवापी का जो दीवाल है उस पर भी सर्वे कराया जाए, और दोनों पक्ष और विपक्ष की तरफ से अपनी याचिका दायर की गई है और इस पर भी फैसले जल्द आएंगे। विवेक जी, जो ज्ञानवापी मुद्दा है काफ़ी, देखिए इस समय बहुत बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है, दोनों पक्ष अपनी अपनी बातें रख रहे हैं, आप क्या बोलना चाहेंगे इस मुद्दे पे? देखिए, थोड़ा सा हमारा सोचना भिन्न है अन्य लोगों से। ये देश का एक बड़ा मुकदमा है, करोड़ों लोगों की धार्मिक आस्था से जुड़ा ये प्रश्न है। कमिश्नर को माननीय न्यायालय ने आदेश पारित किया कि आप कमीशन की कार्यवाही करें, और कमीशन की कार्यवाही हो रही है। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि कमिश्नर जो है, उनको मौके पर जाने के पहले एक अपने साथ न्यायालय से अनुमति लेकर के आर्कोलॉजिकल एक्सपर्ट को भी ले जाना चाहिए कि वहाँ मौके की जो स्थिति है, दीवारें हैं तो कितनी पुरानी है, कुछ शिवलिंग है तो किस पत्थर का बना हुआ है, तो आर्कोलॉजिकल एक्सपर्ट अगर वहाँ जाता तो अपनी अच्छी रिपोर्ट देता, वहाँ के बारे में विस्तृत जानकारी देता कि निर्माण अगर किया गया तोड़ करके अवैध निर्माण तो कितना पुराना निर्माण है। वो कमिश्नर नहीं बता सकता, कमिश्नर तो अपनी आंखों देखी जो रिपोर्ट है वो सबमिट करेगा न्यायालय के सामने, लेकिन वहाँ की जो वस्तु स्थिति है, निर्माण की स्थिति है, वो आर्कोलॉजिकल एक्सपर्ट ही बता सकता है। अब रही बात, कमीशन की कार्यवाही न्यायालय के आदेश पे पूर्ण हो चुकी है, कमिश्नर चूंकि कल ही कमीशन की कार्यवाही समाप्त हुई है तो आनंद फानंद में उनको कोई रिपोर्ट नहीं देना है, उनको पूरी रिपोर्ट देखा है, जितनी चीज़ों को उन्होंने अपनी आंखों से देखा है मौके पर जा करके, उसके बारे में विस्तृत जानकारी लिखनी है, वो लिख करके अपनी लिखित रिपोर्ट देंगे। हो सकता है रिपोर्ट तैयार ना हो पाई हो, तो इतना जगह बनता है कि नहीं उनको न्यायालय समय देगी, 2-4 दिन का। विवेक जी, देखिए एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रहा, जो कहा जा रहा है कि वो शिवलिंग ही है, जो नंदी जी भी इस चीज़ का प्रमाण देती, लोगों का ऐसा दावा है कि उधरी की तरफ वो मुंह करके बैठी हुई, इस पर आप क्या बोलेंगे, कितना ये सच है इस वीडियो में? भाई ये तो यही तो हिंदुओं की असली लड़ाई है कि ढांचा जो गुंबद बना है उसके नीचे शिवलिंग है, और बड़े ही विशाल रूप में वो शिवलिंग दिखाई दे रहा है उस वीडियो में, और उस शिवलिंग के ऊपर भी आप देखेंगे तो जैसे लगेगा एक लेयर कुछ जो क्रैक टाइप का दिख रहा है, वो एक लेयर अलग से लगाया गया है, माने वो प्रतीत हो रहा है कि उस पत्थर के अलावा भी कोई चीज़ वहाँ पर छोपी गई है, थोपी गई है। तो अब ये रिपोर्ट आने के बाद की स्थिति है, अब जो कमिश्नर की रिपोर्ट आएगी उसके बाद इनको आपत्ति का प्रतिपक्ष को मौका मिलेगा, अवसर मिलेगा, फिर आपत्ति के बाद कमीशन रिपोर्ट को न्यायालय मानती है नहीं मानती है वो देखा जाएगा। मुद्दा क्या था और किस देखिए, ऐसा है आज कोई विशेष मुद्दा नहीं था, एडवोकेट कमिश्नर द्वारा समय मांगा गया था, जो समय मांगा गया है उसमें संभव है आज 2 दिन का समय इनको मिल जाएगा, उसके साथ साथ एक स्पष्टीकरण भी आज एडवोकेट कमिश्नर को मिलना है जो 4 बजे के आदेश में होगा। साथ ही सुधीर त्रिपाठी जी ने, अधिवक्ता ने, बतौर चार वादिनी की तरफ से एक दरख्वास्त लगाई कि इसमें जो दीवार है, शिवलिंग बताई जा रही है, उस शिवलिंग के आसपास में जो दीवार है उसे हटा करके देखा जाए ताकि पूरे शिवलिंग के दर्शन हो सके, ये दरख्वास्त लगाई गई है। राखी सिंह का इसमें कोई रोल नहीं है, तो मेरा इस एप्लीकेशन से कोई कनेक्शन नहीं रहेगा। जी, एक और चीज़ जानना चाहेंगे कि एक और कहा जाए कि सरकार की तरफ से भी इस पर एक मामला आया है सामने, उधर से भी, तो इसके लिए क्या? देखिए, सरकार की तरफ से दलीलें दी गई हैं कि कमीशन की रिपोर्ट जो है वो निष्पक्ष है, रिपोर्ट को आने देते हैं, उसके अनुसार जो होगा उसका अनुपालन करेंगे, जो कल आदेश इस न्यायालय ने दिए हैं उसका अनुपालन कर चुके हैं। कोर्ट कमिश्नर अपनी रिपोर्ट कब तक सबमिट करेंगे? देखिए, 2 दिन का समय मांगा गया है, तो मैं समझता हूँ 21 तारीख तक आ जाएगी, 20 या 21 में रिपोर्ट आ सकती है। और अभी ये फैसला कब तक सुनाया जाएगा? ये 4 बजे आदेश आएंगे, 4 बजे के जो आदेश होंगे वो लिमिटेड होंगे 2 चीज़ों को लेकर के, कि क्या कितने दिन का समय दिया जाएगा, किस परिस्थिति में एडवोकेट कमिश्नर कैसे रिपोर्ट को सौंपेंगे और वादी प्रतिवादी पक्ष को सप्लाई किया जाएगा। दूसरा ऑर्डर आएगा कि क्या जो ये आज एप्लीकेशन लगाई गई है वादिवार को हटाने को लेकर के, उसको लेकर कितना समय प्रतिवादी अंजुम इंतजामिया को या सरकार को या अन्य किसी प्रतिवादी को दिया जाएगा।
आप लोग ये जान रहे तस्दीक करना चाहते हैं कि क्या शिवलिंग में नीचे जमीन तक है, कहाँ तक है, उसमें अर्घा है कि नहीं है, क्या जानकारी लेनी है? अब इस बात के लिए तो हमने मांग किया है मलबा हटा कर देखा जाए कहाँ तक है, कैसे है। समीक्षण की बात आ जाएगी तो क्या ये भी आपने आप लोग आगे क्या आगे देखा जाएगा, मलबा हटा के सर्वे तो हो जाए। इसमें मुस्लिम पक्ष ने कुछ प्रतिवाद किया या नहीं? उन्होंने आपत्ति के समय मांगा है और कहा मुझे आपत्ति है। एक चीज तो साफ है कि यहाँ पर जो है अभी की तमाम चोरी के बाद अभी जो 2 बजे कोर्ट बैठी है उसके बाद कोर्ट ने अभी क्या तय किया है, अगर एकदम आम भाषा में समझा पाए कि हुआ क्या है अभी बराबर है। कोर्ट ने दोनों पक्ष बराबर रखी है ना है यार, सरकार की तरफ से प्रार्थना पत्र पड़ी अपील किया गया है, जहाँ शिवलिंग मिले हैं वहीं पर अंदर में वो लोग वही करते थे, उसके अंदर पाइप टूटी लगी है, बाहर करने का आदेश दिया गया है और अंदर लैट्रिन बाथरूम है जिसमें लोग जाते हैं कि उनका आने जाने दिया जाए। और तीसरा उनका था कि जो मछलियाँ हैं जो जिंदा है उसको देख रेख के वहाँ मर जाएंगे। कोशिश करते हैं मंदिर जी, क्यों आप लोगों ने फिर से एक रेखा पाठक दी है कोर्ट में? आज कोर्ट में हम लोग मांग किए हैं वजू को रोकने के लिए और जो शौचालय बनाए हुए हैं उसके लिए और जो मिट्टी का ढेर दीवार है नंदी के सामने का दीवार तोड़ने के लिए और खुलवाने के लिए जो सामने लाना चाहिए भरोसा कीजिए उसके बारे में हमने बोला, लेकिन वीडियो जो वायरल हुआ है सही हुआ है, उन लोग को वायरल किया। चार महिला थी उनमें से तीन नहीं पुराना नहीं शिवलिंग है वो हमारे बाबा है, मेरे बाबा है खुद वही मेरे बाबा है। मांग हम लोग वही तो बोल रहे हैं, हम लोग को सर्वे और हम लोग सर्वे और साक्षी निकले और निकले। अब देखे 2 दिन का समय मांगे हैं, 4 बजे आदेश क्या देते हैं 4 बजे। मेरा मंजू व्यास, आज कोर्ट ने क्या बताया? कोर्ट ने 2 दिन का समय मांगा है, समय का इंतजार कर रहे हैं हम लोग। क्या मांगे हैं आप? हम लोग जो माँ श्रृंगार गौरी का मंदिर है हम लोग का मंदिर मिलना चाहिए। अब बस और वो जो शिवलिंग मिला है उस पर आप क्या? शिवलिंग वो हमारे आदि विशेश्वर महाराज जी हैं, उनकी शिवलिंग हम लोग के सामने आई है। अभी उसके और भी कूड़ा मलवा है जो उसका दरवाजा है उसको खुलवाने की मांग कर रहे हैं हम लोग। लेकिन क्यों उभर के शिवलिंग आए हमारे? सबका कहना है कि बहुत पुराना वीडियो है और गलत तरीके से वायरल किया जा रहा है, अभी का वीडियो नहीं। दुनिया है कुछ भी कहे हम लोग परवाह नहीं करते, सच्चाई सामने आने चाहिए ना, सच्चाई उभर के आ रही है। विश्वास है कि ये उधर शिवलिंग है? हाँ बिल्कुल शिवलिंग है, हमारे भोले बाबा की शिवलिंग है वो। आपको लगता है फैसला आपके पक्ष में आएगा? अब पक्ष में आए और विपक्ष में आए वो तो न्यायालय फैसला करेंगे ना। ज्ञानवापी मामले में जो याचिका दायर की गई थी उसकी सुनवाई हो चुकी है और सभी पक्ष विपक्ष अब बाहर आ चुके हैं। अभी आपने देखा कि हमने दोनों पक्ष के लोगों से बात की है, यहाँ पे जो महिलावादी पक्ष थी उनसे भी बात की है, उन्होंने कहा है कि वो मंदिर वहीं बनेगा क्योंकि उन्हें पूरा यकीन है कि वो शिवलिंग ही है। जो सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा है उन्होंने इसका भी दावा किया है। वहीं आपको बता दें कि कोर्ट ने अभी समय दिया है और फिलहाल में 4 बजे तक सारा मामला स्पष्ट होगा कि आखिर कोर्ट का अगला आदेश क्या होगा। आज की खबर में बस इतना ही, ऐसे ही प्रमुख खबरों को देखने के लिए जुड़े रहें जेड न्यूज डिजिटल मीडिया के साथ।